टिहरी बांध से प्रभावित तिवार गांव के ग्रामीणों ने टीएचडीसी और पुनर्वास निदेशालय से जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर झील किनारे अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे। मामले को लेकर बांध प्रभावितों का कहना है कि टिहरी बांध बनने के कारण तिवार गांव की भूमि बांध की झील में समा चुकी है, लेकिन टीएचडीसी और पुनर्वास निदेशालय ने ग्रामीणों को जमीन के बदले जमीन आज तक नहीं दी और न ही ग्रामीणों को भूमि का कोई मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि टीएचडीसी ने ग्रामीणों के साथ बड़ा धोखा किया है। ग्रामीणों का कहना है कि मांगों पर सकारात्मक कदम जल्द ही नहीं उठाया गया तो अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन जारी रहेगा के साथ ही जल समाधि तक लेने को मजबूर होंगे। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। हम लोग पिछले 15 सालों से इस मांग को करते आ रहे हैं, परंतु प्रशासन और जिला प्रशासन और टीएडीसी के कानों में कोई जू नहीं रेंग रहा है, जिस पर हम ग्रामीण लोगों को मजबूर होकर आज अपने गांव के झील किनारे तलहटी में 823 जो मीटर पानी जो भरता है वहां पर बैठ चुके हैं और टीएडीसी जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करती, हम कसम खाकर यहां पर बैठ रहे हैं कि जब तक 830 पानी यहां पर आएगा हम अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़े, चाहे टिहरी झील में समाना पड़े, डूबना पड़े, हम इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांग यही है कि हमारी जो जमीन, हम आंशिक डूब क्षेत्र के परिवार जो जिनकी जमीनें पानी में डूब चुकी हैं, हमें उसका मुआवजा न लेकर के हमें जो है भूमि के बदले भूमि दी जाए।